नमस्कार, मैं तृप्ति भटनागर, एनर्जी हीलर एवं कोच, स्वागत करती हूं आपका अपने शो हर दिन कुछ कहता है में। जानने के लिए अगस्त 30 का खास पाठ। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। वैसे अगर इस पर्व का इतिहास देखा जाए तो इस त्योहार के अनेक स्वरूप नजर आते हैं। जैसे रक्षा सूत्र बांधने का पहला उल्लेख सतयुग की उस घटना में मिलता है जब स्वर्ग के राजा इंद्र 12 वर्षों तक चले एक भयानक युद्ध में असुरों से पराजित हुए थे। असुरों के स्वर्ग पर कब्जे से दुखी इंद्र ने गुरु बृहस्पति से इसका समाधान पूछा। तब गुरु बृहस्पति के बताए अनुसार देवराज इंद्र की पत्नी शची यानी इंद्राणी ने श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन पूर्ण विधि विधान से देवराज इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा। रक्षा सूत्र से मिली ताकत से इंद्र ने असुरों को हराया और अपना खोया राज्य वापस पा लिया। तभी से इस दिन की यानी रक्षा बंधन बांधने की परंपरा शुरू हुई। दूसरा, राजा बलि ने अपना सब कुछ दान करने के बाद भगवान विष्णु से कहा था कि उनकी इच्छा है कि जब भी वे आंखें खोले तो भगवान को अपने समक्ष पाएं। भगवान विष्णु अपना वचन निभाने के लिए दिन रात पाताल लोक में ही रहने लगे। इससे लक्ष्मी जी चिंतित हुई और उन्होंने नारद जी से इस विषय पर सलाह ली। नारद जी से मिली सलाह के आधार पर लक्ष्मी जी रूप बदलकर राजा बलि के पास गई। राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर उपहार स्वरूप विष्णु भगवान को वापस मांग लिया। इस घटना वाले दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी और यह प्रसंग भी रक्षाबंधन से जुड़ा हुआ है। तीसरा, महाभारत काल में शिशुपाल का वध करते समय भगवान कृष्ण की तर्जनी उंगली में चोट लग गई और उससे लहू बहने लगा। उस वक्त द्रौपदी भी वहां मौजूद थी। लहू को रोकने के लिए तुरंत उन्होंने अपनी साड़ी के किनारे से कपड़ा फाड़ा और उसे भगवान श्री कृष्ण की तर्जनी उंगली पर बांध दिया। उस दिन भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा का संकल्प लिया और उसे आजीवन निभाया। चौथा, सिकंदर ने दुनिया फतह करने की चाह में भारत के शक्तिशाली राजा पुरु पर आक्रमण किया, लेकिन उनके सामने टिक नहीं पाए। इस युद्ध के बाद पुरु द्वारा सिकंदर को मारने की कसम खाने के बाद जैसे ही सिकंदर की पत्नी को पता चली, उन्होंने तुरंत राजा पुरु को रक्षा सूत्र भेजा और अपना मुंह बोला भाई बना लिया और राजा पुरु से सिकंदर को जान से नहीं मारने का वचन ले लिया। यही नहीं, राजा पुरु और सिकंदर दोनों की सेना ने रक्षा सूत्र की अदला बदली भी करी थी। इसीलिए पुरु ने सिकंदर को मारने के लिए हाथ उठाने के बाद भी बख्श दिया और वहीं सिकंदर ने भी पुरु को उनका राज्य लौटा दिया। पांचवा, मुगल बादशाह हुमायूं चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने जा रहा था, तभी रानी कर्णावती ने उन्हें रक्षा सूत्र भेज रक्षा का वचन लिया। वैसे यह बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद चित्तौड़गढ़ पर बहादुर शाह ने आक्रमण किया, तब हुमायूं दुश्मन के बढ़ते कदम को रोकने के लिए आगे आए, लेकिन वे सफल हो पाते उससे पहले ही रानी कर्णावती ने जौहर व्रत धारण कर लिया। समय के साथ रक्षाबंधन के त्योहार ने स्वरूप बदला है। पहले यह एक ऐसा रक्षा सूत्र था जिसे कोई भी महिला किसी भी पुरुष को बांध सकती थी, जैसे भगवान इंद्र को उनकी पत्नी ने बांधा था, लेकिन कालांतर में धीरे धीरे लोगों ने इसे भाई बहन का त्योहार बना दिया है।